अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इरफान अली फ्रॉम कंप्यूटर एजुकेटर। आज हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट टू। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक शेप ली थी और इसके अंदर हमने कोई कलर इम्प्लीमेंट किया था। अब हमने एक स्क्वायर शेप ले ली, अब हमें कोई सर्कल शेप लेनी है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर। इसकी सब टूल आती है इलेप्टिकल मार्की टूल, तो हमने ये टूल लेनी है। सिंपल शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और अपने आर्ट बोर्ड पे जाके जैसे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये एक परफेक्ट सर्कल जनरेट होगा, जो कि चारों तरफ से इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी। इसके जो पिक्सेल हैं बिल्कुल सेम हो गए, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सब बिल्कुल इक्वल होगा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक सर्कल ड्रॉ किया है। अगेन हमने क्या करना है कि इसकी एक लेयर जनरेट करनी है। मैं बैकग्राउंड के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल प्लस जे का बटन प्रेस करते हैं, तो अभी हमारे पास एक सर्कल बन गया है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ बैकग्राउंड को, तो देखें ये हमारे पास व्हाइट कलर का एक सर्कल जनरेट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर कलर पुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और शेप की जो हमारी ये लेयर है इसके ऊपर आके हमने क्लिक करना है। अब ये हमारी शेप सेलेक्ट हो गई, अब हमें इसके ऊपर कलर पुट कर देना है लाइक दिस। तो अब ये हमारे पास दो शेप जनरेट हो चुकी हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं के आई ड्रॉपर टूल क्या काम करती है। आई ड्रॉपर टूल बेसिकली आपने कोई काम करना है, कोई शेप ले रही है आपने, कोई आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं, आपने किसी एक शेप का कलर दूसरी शेप के ऊपर ट्रांसफर करना है, तो आप इजीली मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉपर टूल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने ब्लैक कर दिया और यहाँ पे जो सेकेंड हमारा बैकग्राउंड कलर है मैंने ये कलर भी चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि हमें इस शेप का कलर चेंज करना है ब्लू कलर के साथ, सेम कलर हमने ये कॉपी करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपल हमने क्या करना है कि अपनी शेप को जाके करेंगे सेलेक्ट। जब हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी शेप सेलेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, या आप बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करें या फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करें। तो आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया आपके पास ये कलर पिकर ओपन हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है कि आई ड्रॉपर आपके पास खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं जब आप कलर पिकर ओपन करते हैं, तो या आप सिंपल आई ड्रॉपर लेके क्लिक करके वो कलर पिक कर सकते हैं। जब आप आई ड्रॉपर से कलर पिक करते हैं तो वो आपके जो हमारा बॉक्स होता है फोरग्राउंड कलर का, वहाँ पे कलर शो हो जाता है, क्योंकि आई ड्रॉपर से जब हम कोई चीज़ पिक कर रहे होते हैं तो वो फोरग्राउंड कलर में ही जाता है। जब हमने ये कलर यहाँ पे पिक कर लिया, अब हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, अब वही कलर हमने अपनी शेप के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये है हमारे पास एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, फिर हमने आई ड्रॉपर से कलर चेंज कर दिया।